नमस्कार, यूटीवी न्यूज़ 24 की एक और नई खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गैस, बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बीते कल डिवाइव पाटिल T20 कप हुआ, जहां पर रिलायंस वन वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में मैच खेला गया, जिस मैच में हार्दिक पांड्या ने खेलते हुए और इतना कहर बरपाया विरोधी टीम पर, उसके डर के मारे उस टीम को हार का सामना करना पड़ा, जहां पर हार्दिक पांड्या ने बहुत ज़्यादा रन बनाए और विरोधी टीम के 3 विकेट भी चटका दिए। अगर आप भी हार्दिक पांड्या के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जोर से देखते रहिए। गैस, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, रिलायंस वन वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में जो मैच हुआ, वहां पर टॉस जीता रिलायंस वन ने और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, मगर स्टार्टिंग बहुत ही खराब रही और 38 रन पे 2 विकेट गंवा दिए। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो ये टीम आज हारने वाली है, मगर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने तो कमाल कर दिया और 25 गेंदों का सामना करते हुए 4 बड़े बड़े चौके और एक छक्के की मदद से 38 रन ठोक डाले और यही वो वजह रही कि रिलायंस वन इस मैच को जीतने में कामयाब हो पाई। आप सभी को पता है, हार्दिक पांड्या चौके के लिए कम जाने जाते हैं, वहीं छक्के के लिए जाने जाते हैं और यही कारनामा करके दिखाया हार्दिक पांड्या ने। बैंक ऑफ बड़ौदा के खिलाफ 4 छक्के लगाए हैं, 1 चौका लगाया है। 4 छक्के, आप सोच सकते हो, केवल 25 गेंदों में 4 छक्के लगाए हैं हार्दिक पांड्या ने। तो वहीं तीसरे विकेट के लिए सौरभ तिवारी के साथ 53 रनों की साझेदारी की, तो वहीं सौरभ तिवारी ने भी अकेले इकलौते दम पर 41 रन बनाए। तो वहीं पहले ओपनिंग करने आए थे शिखर धवन 11 गेंदों में 14 रन बनाकर चलते बने थे, तो वहीं विष्णु सोलंकी 5 रन बनाकर चलते बने थे और ये दोनों विकेट गंवा दिए थे। रिलायंस वन ने स्टार्टिंग में ही हार्दिक पांड्या का गेंदबाजी में भी जलवा देखने के लिए बहुत ही तगड़ा मिला। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी कराते हुए 22 गेंद डाली, तो भाई 26 रन दिए बस केवल ओनली और विरोधी टीम के 3 विकेट चटका दिए। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार 10 रन बनाए बस केवल और कोई भी विकेट नहीं ले पाई और इस तरीके से रिलायंस वन ने ये वाला मुकाबला 25 रन से अपने नाम कर लिया, जिसका श्रेय पूरी तरीके से हार्दिक पांड्या को जाता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने 38 रन बनाए और ऑलराउंडर की बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की ओर से आखिरी मैच साउथ अफ्रीका खिलाफ 2019 के अक्टूबर के महीने में खेला था, उसके बाद उनकी पीठ में दर्द होने लगा था, तो पीठ की सर्जरी हुई थी लंदन में, मगर पीठ की सर्जरी हो गई है, बिल्कुल फिट हैं और अब टीम इंडिया में उतरने के लिए तैयार हैं और साउथ अफ्रीका खिलाफ, जो कि 12 तारीख को पहला वनडे मैच खेला जाना है, उसमें आपको खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या। फिलहाल उनकी जगह पर शिवम दुबे खेल रहे हैं। तो दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी और गेंदबाजी से और वापसी से कितने खुश हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताएं और आप ऐसी क्रिकेट वाली खबरें और देखना चाहते हो सबसे पहले तो नीचे आपको लाल कलर में सब्सक्राइब वाली बटन नजर आ रही होगी, उसे दबा लीजिए। उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल घंटी नजर आएगी, उसे दबाकर ऑल पर प्रेस करना भी ना भूलें। तो फिलहाल इस खबर में इतनी था, मिलते हैं आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और देखते रहिए यूटीवी न्यूज़ 24।